बेरोजगारी की मार झेल रहे भारत के नवयुवक हर साल हजारों की तादाद में सऊदी, मस्कट और कनाडा जैसे देशों में कमाने जाते हैं। कुछ नवयुवक अच्छी कंपनी का सहारा मिलने के बाद हंसते खेलते आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय हुए जिनके शव को देखने के लिए उनके परिजन तरस गए। इन देशों में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो युवाओं का शोषण करती हैं, लेकिन इतनी घटनाओं के बावजूद घर संवारने की चाह में युवा इन देशों की ओर रुख करते हैं। क्या कहेंगे आपके बेटे जो है वो सऊदीया से आ गए हैं, घर कैसा लग रहा है आपको? आ गए हैं आत्मा, ईश्वर आप ही लोग जिसके आप ही लोग क्या। तस्वीरों में दिख रहा ये युवक राकेश उपाध्याय है, जो भदोही जिले के कोइरोना थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव का निवासी है। 2019 में अपने घर से सऊदी अरब एक कंपनी में प्लम्बर का काम करने इसलिए गया था कि वो वहां काम कर अपने बच्चों और अपने माता पिता के अच्छे भविष्य के लिए पैसा कमाकर घर लौटे। लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब उसको सही मेहनताना नहीं मिला, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी उसे अपने देश जाने से रोका गया। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, कंपनी के अधिकारियों ने उसके सभी दस्तावेज अपने पास रख लिए थे, और जब वो कंपनी के अधिकारियों से मिलना चाहता तो उसे मिलने नहीं दिया जाता था। उस पर कंपनी में आगे भी काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। युवक और उसके परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार और भदोही जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद भदोही पुलिस की मदद से युवक की घर वापसी हुई। युवक का कहना है कि कंपनी वालों ने उसके 3.5 लाख रुपए अभी तक नहीं दिए हैं। किसी तरह हमने ट्विटर पे मैसेज किया और ये तो हमारे भदोही के जो SP साहब हैं उन्होंने इस संज्ञा को देखा और अंत तक जो है उन्होंने बहुत कोशिश किया और हमें यहाँ बुला के लाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अब हम अपने परिवार में आ गए हैं। पेमेंट थी वहाँ जो मिली थी? पेमेंट हमें सिर्फ रास्ते के खर्च के लिए दिया गया, बाकी हमारा कुछ भी नहीं मिला है। कितना लगभग? 3.5 लाख के ऊपर है। भदोही जनपद का एक युवक सऊदी अरब के जेद्दा शहर में पिछले कई महीनों से फंसा हुआ था। युवक और उसके परिजन लगातार प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। भदोही पुलिस के प्रयास से युवक की घर वापसी हुई है। इनकी समस्या को विदेश मंत्रालय को इनकी समस्या के बारे में अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय दूतावास के माध्यम से इनकी सकुशल वापसी, घर वापसी सुनिश्चित की है। आज ये सुरक्षित अपने घर लौट आए और अपने परिजनों के साथ खुशी से मिले हैं। जो विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास का ये जो सराहनीय काम था, इसके लिए भदोही पुलिस उनका हार्दिक धन्यवाद। भारत का युवा लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जिसके चलते विदेशों की ओर रुख कर रहा है। योजनाएं जमीन पर दम तोड़ रही हैं और भारत का युवा विदेशों में दम तोड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।